बच्चों, आज हम व्याकरण का दूसरा भाग अव्यय, जो दो अंकों के लिए पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के चार भेद। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में ही उसकी परिभाषा छुपी है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, कल, बाहर, अधिक, अचानक, ऊपर, बहुत, यहाँ, ज्यादा, झटपट, चुपचाप। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, कि। तीसरा, संबंध बोधक अव्यय, जो दो शब्दों के बीच में आकर उन दोनों का संबंध बताता है, ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, कि और, के आगे, से पीछे, के निकट। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय, वक्ता के भाव को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, अर्थात उदाहरण के लिए, शाबाश, छी, ओह, हे राम, अरे। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय, वक्ता के भाव को सूचित करने वाले शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, शाबाश, छी, ओह, हे राम, अरे। अव्यय को हम पहले उदाहरण से समझते हैं, जो एक अंक के लिए पूछा जाता है। वो तरीका है, वाक्य में प्रयुक्त अव्यय शब्द पहचान कर उसका भेद लिखना। अर्थात आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसी के अंतर्गत अव्यय शब्द रहेगा, लेकिन बच्चों आपको वह शब्द अधोरेखांकित कर कर नहीं दिया जाएगा, आपको वह शब्द पहचानना है और पहचान कर उसका अव्यय भेद लिखना है। तो पहला उदाहरण जो है, हमारे घर के पीछे नदी है। मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे घर के पीछे नदी है। अब इस वाक्य में आपको अव्यय शब्द पहचानना है, अर्थात वह शब्द है के पीछे, और के पीछे अव्यय प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। उसी प्रकार यदि मैं दूसरा उदाहरण लेती हूँ, शाबाश, इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहो, और इसमें अव्यय शब्द है शाबाश, जो विस्मयादि बोधक अव्यय है। तीसरा उदाहरण, कल समय पर काम कर लेना। अब इस वाक्य में जो अव्यय शब्द है वह है कल, और कल शब्द क्रिया विशेषण अव्यय में आता है। उसी प्रकार चौथा जो उदाहरण है, हमें पता चला कि वे काम कर रहे थे। इस वाक्य में जो कि है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। धन्यवाद। अव्यय का दूसरा तरीका, जो पुनः एक अंक के लिए पूछा जाता है, दिए गए अव्यय शब्द का स्वतंत्र एवं सार्थक वाक्य में प्रयोग करना। हाँ बच्चों, आपको एक शब्द दिया जाएगा जिस शब्द का आपको सार्थक एवं स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग करना होगा। मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूं, ऊपर, अक्सर, एक गिर, अरे, अथवा। अब इन शब्दों का मैंने वाक्य में प्रयोग किया। पहला, वे छत के ऊपर अमित, मैंने आपको शब्द दिए हैं, ऊपर, अक्सर, एक गिद, अरे, अथवा। इनका वाक्य प्रयोग है, छत के ऊपर अमित पतंग उड़ा रहा है। दूसरा, वे अक्सर हमें मिला करते थे। तीसरा, मेरे एक गिद लोग खड़े थे। चौथा, अरे लक्ष्मी, जल्दी चलो। पांचवा, मैं खेलने अथवा घूमने गए होंगे। पांचवा, वे खेलने अथवा
घूमने गए होंगे। धन्यवाद।